दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे 5G नेटवर्क की स्पीड, फायदे और नुकसान क्या क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। 5G क्या है? 5G यानी पाँचवीं पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क है। आप और हम 2G, 3G, 4G से तो वाकिफ हैं, 5G उसका अगला वर्जन है। 5G से ऐसा नेटवर्क तैयार होगा जहां हर कोई हर चीज़ से वर्चुअली कनेक्ट हो पाएगा, फिर चाहे वह मशीन हो या डिवाइसेज। 5G के जरिए कनेक्टिविटी की रफ्तार बेहद तेज हो जाएगी। 10G पर सेकेंड की स्पीड से कुछ भी डाउनलोड कर सकेंगे, 10GB पर सेकेंड की स्पीड से कुछ भी डाउनलोड कर सकेंगे। इसमें लेटेंसी बेहद कम होगी, नेटवर्क कैपेसिटी ज़्यादा होगी। 5G टेक्नोलॉजी इन इंडिया जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया। 5G टेक्नोलॉजी इन इंडिया, सबसे पहले ये सब नेटवर्क 5G स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों भारत में कहाँ तक पहुँचा? डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस ने 5G ट्रायल स्पेक्ट्रम अलाउट कर दिया है। इससे रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के लिए रास्ता साफ हो गया है। जियो और एयरटेल के पास पहले से 5G रेडी नेटवर्क्स हैं, हालांकि अभी तक 5G ट्रायल शुरू नहीं हो सके हैं। भारत के लिए क्यों जरूरी है 5G टेक्नोलॉजी? दुनिया में 40 से ज़्यादा टेलीकॉम ऑपरेटर्स 5G लॉन्च कर चुके हैं। 4G को भारत में धमाकेदार सफलता मिली। 5G का सपोर्ट करने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि 5G तकनीक से भारत की टेलीकॉम कंपनियों को कनेक्टिविटी से आगे बढ़कर कंज्यूमर्स, इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हल निकालने का मौका मिलेगा। डिजिटल दुनिया में अपनी धाक जमाने का जो सपना भारत 90 के दशक से देख रहा है, उसके साकार होने के लिए 5G बेहद ज़रूरी माना जा रहा है। दोस्तों अब जानते हैं हेल्थ से जुड़ी वैज्ञानिकों की चिंताएं क्या क्या हैं 5G को लेकर। भारत के कई नामी वैज्ञानिकों ने 5G को लेकर जल्दबाजी न करने को कहा है। 2 साल पहले कई वैज्ञानिकों ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 5G से इंसानी सेहत और पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना था कि 5G से पहले विस्तार से रिसर्च की ज़रूरत है, क्योंकि रेडिएशन का असर अक्सर देर से दिखता है। उन्होंने कहा था कि अगर इसे इंसानों के लिए सुरक्षित मान लिया भी जाए तो भी पेड़ पौधों पर इसके असर पर ढेर सारी रिसर्च होनी चाहिए। WHO की 5G को लेकर क्या राय है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अभी तक की रिसर्च में वायरलेस तकनीकों का सेहत पर कोई दुष्प्रभाव सामने नहीं आया है। 5G इंफ्रास्ट्रक्चर से जो एक्सपोजर होता है वह 3.5 GHz के बराबर होता है। यह अभी के मोबाइल बेस स्टेशन के बराबर ही है। WHO की वेबसाइट के मुताबिक चूंकि यह तकनीक विकसित हो रही है, ऐसे में और रिसर्च होनी चाहिए। 5G से हेल्थ को खतरा नहीं। भारत के मशहूर टेक एक्सपर्ट्स में से एक IIT कानपुर के डायरेक्टर अभय करंदीकर के मुताबिक RF रेडिएशन से स्वास्थ्य पर किसी तरह के दुष्प्रभाव की बात किसी रिसर्च में सामने नहीं आए हैं। उनके मुताबिक 5G को अलग अलग स्पेक्ट्रम बैंड्स में डिप्लॉय किया जाएगा। मशहूर बैंड्स कम फ्रीक्वेंसी वाले होंगे, हाई फ्रीक्वेंसी रेंज वाले बैंड्स की कवरेज छोटी होती है और उनकी रेडिएशन पावर भी सीमा के भीतर होगी। करंदीकर के मुताबिक 5G से सेहत को लेकर ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अब जानते हैं कि 5G से पर्यावरण पर कैसा असर होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन पर छपे एक लेख के मुताबिक 5G से निश्चित तौर पर दुनिया भर में ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ेगा। लेख में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के लिए ऊर्जा का बढ़ता इस्तेमाल भी एक प्रमुख वजह है। हालांकि यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक की एक स्टडी कहती है कि साल 2030 तक 5G नेटवर्क के जरिए ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 4G नेटवर्क से कम हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।